और उसको कैसे बढ़ाया जाए, तो हजार रास्ते हैं। गूगल के ऊपर जाकर के आप सर्च करो हाउ टू इंक्रीज योर कॉन्सेंट्रेशन पावर, आपको टिप्स मिलती चली जाएंगी। उन टिप्स में से जो अच्छी लगती है उसको इंप्लीमेंट करते चले जाओ, कॉन्सेंट्रेशन पावर्स बढ़ जाएंगी। लेकिन ये भी प्रॉब्लम की जड़ नहीं है। जड़ ये है कि हमारा इंटरेस्ट क्यों नहीं है पढ़ाई के अंदर, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। उस इंटरेस्ट को कैसे क्रिएट किया जाए, अंदर से पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है। ये जड़ है प्रॉब्लम की कि किसी तरह से नहीं। अगर आपको पार्क में जाकर के खेलना है तो इसके लिए किसी मोटिवेशन सेशन की जरूरत है क्या? नहीं है। आप जाओगे जाकर के पार्क में खेलोगे। फेसबुक के ऊपर बैठ करके टाइम पास करना है, उसके लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत है क्या? मुझे जरूरत है आकर के बोलने की कि प्लीज अपना फेसबुक पे टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखो, व्हाट्सएप पे बैठा करो ना, बैठते क्यों नहीं हो, अपने दोस्तों के पास जाया करो, दो चार पैग लगाया करो, हाँ सुट्टे मारा करो, ये सब बोलने की जरूरत है? समझो, एग्जैक्टली। जड़ तक जाना है, ऊपर ऊपर लेवल पे काम नहीं करना। सॉल्यूशन ये है कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं आकर के, आपके पेरेंट्स आकर के, पूरी दुनिया आकर के आपको कहे कि मत पढ़ो, मत पढ़ो, खबरदार अगर पढ़े तो, और फिर भी आप पढ़ो। आपको नहीं, मैं तो पढ़ूंगा, आने तो मेरे सामने कौन आ रहा है, उसको देख लूंगा, देखता हूं मेरे को कौन रोकता है पढ़ने से। अगर कुछ ऐसा हो गया तो समझ जाओ खेल हो गया, काम हो गया। जो आपकी स्टूडेंट लाइफ है उसमें पढ़ना था, आप पढ़ लिए, उसके बाद में जॉब करनी है तो जॉब में अपना 100% डाल दिया, बिजनेस करना है बिजनेस में 100% डाल दिया। एटलीस्ट स्टूडेंट लाइफ में तो आपने 100% डालना सीख लिया ना, तो आगे भी आप लाइफ में जो भी करोगे आप पूरे दिल से करोगे, पूरे तरीके से करोगे। अब कैसे करना है, ये प्यार कैसे आएगा? हाँ, ये प्यार कैसे आएगा बता रहा हूं, प्यार में थोड़ा सब्र करना पड़ता है। अब क्या है इसका सलूशन? बहुत आसान है। मैं इतना इसलिए बोल रहा हूं, इतना बेस इसलिए बना रहा हूं ताकि जो मैं एक लाइन में बोलने वाला हूं उसको तो मैं सेशन के शुरू में भी बोल सकता था और बोल करके खत्म कर सकता था। लेकिन होगा क्या कि अब इतना सुनने के बाद में अब आपके अंदर से आ गया ना, सबके अंदर से आवाज आ रही, अरे बोलना बोल क्यों नहीं रहा, क्यों घुमा रहा है गोल गोल। तो अभी आपके अंदर से आ रहा है कि बोलना, तो अब होगा क्या कि मैं बोलूंगा एक ही लाइन में, बोलने वाला हूं वैसे कुछ सेकंड्स में, हाँ ध्यान से सुनना, बोलूंगा एक ही लाइन में, लेकिन आप पूरी तरह से अलर्ट हो जाओगे, पूरी तरह से अवेयर हो जाओगे, आप सुनने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। नहीं तो क्या होता, अगर मैं ये सब नहीं करता और वैसे ही बोल देता, आप कहते हैं हाँ सुन लिया, समझ आ गया, बात खत्म, दी एंड। आप यहां से निकलोगे फिर जाकर के कोई नया नुस्खा ढूंढने की कोशिश करोगे, आप कहोगे हाँ ठीक है ये बात तो समझ आ गई, चल अब कुछ और देखते हैं, अब कुछ और करते हैं। ऐसे ही होता है कि जो बात समझ आ गई उसके बाद में हमने कहा उसमें क्या काम करना है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं बता ही देता हूँ, नहीं तो मेरी पिटाई हो जाएगी, हमें लोग बौखला जाएंगे वहां से उठ करके, अब बोलना तेरी तो। आपको एक वजह चाहिए, आपको एक बहुत बड़ी वजह चाहिए पढ़ने के लिए। अरे यही जड़ है भाई, आपके पास कोई बहुत बड़ी वजह ही नहीं है पढ़ने की, कोई वजह ही नहीं है उन सारे एडिक्शंस को छोड़ने की जिन्होंने आपको जकड़ रखा है, कोई वजह ही नहीं है अपनी बड़ी से बड़ी आदतों को बदलने की जो आदतें पड़ गई हैं। आदतें क्या हैं? ना पढ़ने की, एक नई आदत डालनी पड़ेगी, वो है पढ़ने की। उसके लिए कोई वजह तो चाहिए, और बहुत बड़ी वजह चाहिए, तभी आप उस पर एक्ट करोगे, नहीं तो क्यों करोगे? आप कहोगे ठीक है जिंदगी चल तो रही है, चलती रहेगी ना, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या जा रहा है, एक्सक्यूजेस बनाते रहोगे कि इस वजह से नहीं हो रहा, उस वजह से नहीं हो रहा, उस वजह से नहीं हो रहा, जबकि अंदर से आपको भी पता होगा कि ये सब एक्सक्यूजेस हैं, असली कहानी कुछ और है। तो वजह चाहिए, वजह क्यों चाहिए? आप इमेजिन करो कि आप एक डेजर्ट में हो, रेगिस्तान में हो, और खो गए हो, रास्ता भूल गए, एक दिन निकल गया, दो दिन निकल गए, क्या होगा ऐसे में? प्यास से तड़प रहे होगा ना, इमेजिन करो उस सिचुएशन को, जस्ट इमेजिन व्हाट आई एम सेइंग।
कि 2 दिन हो गए हैं आपने पानी की एक बूंद भी नहीं पी है, ऊपर से डेजर्ट जहां पर कोई छाया भी नहीं है, भागे जा रहे हो इधर से उधर, चले जा रहे हो, हिम्मत नहीं है, बुरी हालत हुई पड़ी है और मरने लायक हालत है, उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? सिर्फ पानी कि कहीं से पानी की एक बूंद मिल जाए, सिर्फ एक बूंद मिल जाए कहीं से पानी की, वो सूख गया है, अंदर तक सब कुछ सूख गया है, बुरी हालत हुई पड़ी है, उस वक्त आप क्या करोगे, क्या पियोगे? टॉयलेट पियेंगे, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। और ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, जो भी लोगों के साथ में ये चीज हुई है उनके एक्सपीरियंसेस जाकर के आप पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा। टॉयलेट जिसको हम वेस्ट समझते हैं वो भी एक एक बूंद उसकी भी कीमती हो जाती है, जो आप में से कोई अभी सपने में भी करने की नहीं सोच सकता। अभी कोई यहां से बाहर जाकर के अपना टॉयलेट पिएगा? कोई है तैयार है? एनीबॉडी? कोई नहीं। क्यों? कोई वजह ही नहीं है? देयर इज नो रीजन, देयर इज नो रीजन। क्यों पिए भाई, मैं पागल हूं क्या? हाँ मैं पागल हूं जाकर के जबरदस्ती अपना टॉयलेट पीऊं? लेकिन अगर वो वजह बड़ी हो तो आप पानी क्या खून भी पी जाओगे। सारा खेल वजह का है, पर्पस का है। उस वक्त आपके दिमाग में क्या कोई डिस्ट्रैक्शन होगी? यस और नो? कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, आपका सिर्फ एक गोल होगा, वो होगा पानी और कुछ भी नहीं। इसी तरह से आपको एक बर्निंग डिजायर चाहिए पढ़ने के लिए, बर्निंग डिजायर। क्यों? क्योंकि रियलिटी क्या है, पहले हमको रियलिटी को समझना है, हम रियलिटी को ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। रियलिटी क्या है कि अगर आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं तो ज्यादातर जो यहां पर स्टूडेंट्स हैं उनको 5 ही पसंद नहीं होंगे, रियलिटी है। यस और नो? देख लो कितने सारे लोगों की आवाजें आई है। ज्यादातर जो लोग हैं, कुछ लोग होंगे जिनको उन 5 में से 1 या 2 सब्जेक्ट अच्छे लगते होंगे, कुछ लोग, और रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई होगा जिसको 5 अच्छे लगते होंगे। तो खेल क्या है? खेल क्या है कि जो सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, जिसमें मजा आता है, वो तो आप पढ़ लोगे, उसमें तो आप मार्क्स ले आओगे, लेकिन बाकी के वो सब्जेक्ट जो आपको अच्छे नहीं लगते, जो टॉर्चर लगते हैं, उसमें मार्क्स कैसे लाओगे? उसको पढ़ने का आपका मन ही नहीं करेगा, तो आप क्या करोगे? आप बहाने बनाओगे, अपने ध्यान को बार बार कहीं और लेकर के जाओगे, डिस्ट्रैक्शंस की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, खुद आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करोगे ताकि उस टॉर्चर को सहना ना पड़े, उस मेंटल पेन को सहना ना पड़े, वो ना करना पड़े जो हम नहीं करना चाहते, जो हमारा मन नहीं है। लेकिन रियलिटी क्या है कि आपको 5 सब्जेक्ट्स में पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, चाहे आप चाहो या ना चाहो। कितना खतरनाक है देखो।